मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क ना पहनने के अपने बयान पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूं। इसके पहले कल इंदौर में नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि मास्क नहीं पहनता। इंदौर के कल के अपने बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा, समाज से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मास्क ना पहनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम में तो क्या, मैं किसी भी कार्यक्रम में मास्क नहीं पहनता हूं। लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा के सुर बदले हुए नजर आए। इस बयान के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। आप भी सुन लें कि कल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में क्या कहा था और आज वो दतिया में क्या कह रहे हैं। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों नहीं पहनता? नहीं हूँ मैं। कभी कभी हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमारी दिल की भावनाओं के एकदम विपरीत होते हैं। कल भी मास्क के संबंध में जो शब्द निकले वो पूर्णतः गलत थे। मुझे स्वयं को पीड़ा हुई अपने शब्दों से, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के एकदम विपरीत थे और इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, गलती मानता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी सामाजिक लोगों से, समाज के लोगों से, आवाम से कि वो मास्क पहने और कोविड के सभी नियमों का पालन करें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।